अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ गुरु। माय नेम इज़ उमर सुल्तान। तो स्टूडेंट अभी हमने क्वेश्चन नंबर टू वर्क किया था, तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की। आई होप आप क्वेश्चन नंबर टू अंडरस्टैंडेबल किया होगा। तो नो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव करने से पहले मैं ये चाहूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या करना है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी विच सर्टिफाई द मैट्रिक क्वेश्चन के। आपने ए बी सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि आपके मैट्रिक को सेटिस्फाई करें। तो फर्स्ट वाले की स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे ए प्लस सी है तो ए प्लस सी का मतलब है ये ए वन की वैल्यू है, ए प्लस टू बी का मतलब है ये ए टू की वैल्यू है, ये ऊपर ए थ्री है, ये ए फोर। वैसे एक्चुअली मैट्रिक्स में ये होता है कि ए वन वन इसे कहा जाता है, इसे ए वन टू कहा जाता है, इसको ए टू वन ए टू टू, मतलब ये फर्स्ट लाइन जो है ए अलेवन स्टार्ट होती है, अलेवन ट्वेल्व एंड सो वन चलती जाती है, दूसरी लाइन ए ट्वेंटी वन से स्टार्ट होती है, सो वन चली जाती है, ए ट्वेंटी वन हम लिखते हैं इसको, फिर ट्वेंटी टू, फिर ट्वेंटी थ्री, मतलब इतनी वैल्यूज हैं उसके लास्ट से चलती जाती है, थर्ड लाइन थर्टी वन की, फिर फोर लाइन फोर्टी वन की तो चलती है। तो यहाँ पर आपकी टू क्लास टू का मैट्रिक है, तो ए अलेवन ये वाली होगी, ए ट्वेल्व, ए ट्वेंटी वन, ए ट्वेंटी टू, सेम ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। यहाँ पे ए वन वन ये है तो यहाँ पे ए वन वन क्या होगी, ये होगी। यहाँ पे ए वन टू है तो यहाँ पे ए वन टू माइनस सेवन होगी, सी माइनस वन, ए थर्ड ए ट्वेंटी वन है बस, तो यहाँ पे ए ट्वेंटी वन के थ्री है, फोर डी माइनस सिक्स आपस के ए ट्वेंटी टू है, तो सेम इस तरह टू डी क्या होगा, ए ट्वेंटी वन होगा। तो बेटा जो ए वन वन है वो ए वन वन की इक्वल रखेंगे, ए वन टू को ए वन टू की इक्वल रखेंगे, ए टू वन को ए टू वन के और ए टू टू को ए टू टू की इक्वल रखेंगे। तो ये स्टूडेंट सोल्यूशन देखते हैं। बट ये सोल्यूशन याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड में आप ऊपर वाला क्वेश्चन तो लिखते नहीं है, नंबर देते हैं क्वेश्चन का, नीचे सोल्यूशन पर जाते हैं, तो अब एज एट एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ता है, अब एज एट एक क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे हमने ए सी और ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी की पहली वैल्यू है, तो आपने इक्वल मतलब होता है दूसरे साइड पर मैट्रिक में पहली वैल्यू देंगे, तो ए प्लस सी किसकी इक्वल है, यहाँ पे ए प्लस सी पहली जगह ए प्लस सी है, यहाँ पहली जगह पे जीरो है, तो ए प्लस सी किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा। तो बेटा आप कर देंगे ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस सी इक्वल टू क्या कर दिया आपने, जीरो कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दें, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे देंगे। इसका साइज बढ़ा देते तक आपको विजुलाइजेशन अच्छी हो जाए और आपको समझ आए विजुलाइजेशन ऐसे है कैसे। ठीक है, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर जीरो की कॉल आ गया, ए प्लस सी इक्वल टू आपके पास किसकी आ गया, जीरो की कॉल आ गया। तो सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वैल्यू आप चेक करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू क्या, आपके पास ए प्लस टू बी है, ए प्लस टू बी सेकेंड वैल्यू है, पहली रो में सेकेंड वैल्यू, अब इधर भी पहली रो में सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सेवन आ रही है, आप लिखेंगे ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस सेवन, इसको आप दे देंगे क्वेश्चन नंबर टू का ना। सो थर्ड आ जाती है वैल्यू, क्या आ जाती है हमारे पास, थर्ड वैल्यू को देखते हैं हम कि हमारे पास थर्ड क्या वैल्यू आती है। तो बेटा थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है सी माइनस वन, यहाँ पे सेकंड रो की ये फर्स्ट वैल्यू, तो अब दूसरे क्वेश्चन में भी आप दूसरी साइड मैट्रिक में देखें कि इस दूसरे मैट्रिक की सेकेंड रो में फर्स्ट वैल्यू क्या है, पहले मैट्रिक की सेकेंड रो में फर्स्ट वैल्यू क्या सी माइनस वन, अब दूसरे मैट्रिक में सेकेंड रो में फर्स्ट वैल्यू देखिए क्या आ रही है, थ्री आ रही है, आप लिखेंगे सी माइनस वन इक्वल टू थ्री, क्या आ जाएगा ऊपर थ्री आ गया बेटे एक, अब इसको क्वेश्चन का नाम दे देंगे, जो जो वैल्यू अभी को रखते जाएंगे उनको क्वेश्चन के नाम आप देते जाएंगे। सो आगे आपके पास आ जाती है ये वाली वैल्यू आ गई, ये फोर वैल्यू सेकेंड रो की सेकेंड वैल्यू कह लें या फुल मैट्रिक की फोर्थ वैल्यू कह लें, एक ही बात, ये सेकेंड रो की सेकेंड वैल्यू है, इधर रखिए सेकेंड रो की सेकेंड वैल्यू क्या टू डी है, तो आप लिख लेंगे बेटे इसको फोर डी माइनस सिक्स इक्वल टू टू डी आ जाए बेटा क्वेश्चन, इसको नाम दे दीजिए, पहले थ्री थी ये वाली क्या बन जाएगी आपके पास क्वेश्चन नंबर
फोर बन जाएगी। तो स्टूडेंट किसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि देखिए ए प्लस इक्वल टू जीरो है तो यहाँ से ए की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ए प्लस टू बी है यहाँ से नहीं, क्योंकि दो दो वेरिएबल आ रहे हैं। ऐसी इक्वेशन हमने सबसे पहले सॉल्व करनी है जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि किस इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल है, तो जो मुझे नज़र आ रहा है और आपको भी नज़र आ रहा है, इंटेलिजेंट्स बच्चे हैं और आप अच्छा भी काम करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक ही वेरिएबल सी माइनस वन, तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो बेटा सी माइनस वन, तो बेटे सी माइनस वन इस साइड पे माइनस वन, उधर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सी इक्वल टू थ्री प्लस वन। एक साइड पे माइनस हो चीज़ और दूसरी साइड पे जब वो मूव करते हो क्या हो जाती है प्लस। आप बचपन से पढ़ जा रहे हैं जब भी आपकी कोई वैल्यू इक्वल से लेफ्ट या राइट पे जाती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बेटा ये लेफ्ट में माइनस थी, राइट में जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, थ्री प्लस वन क्या हो गया फोर। तो सी की वैल्यू इक्वल टू आपके पास क्या आ गई है फोर, सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास फोर आ गई है। अब बेटे नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू आपके पास आंसर सी की आ गई है। अभी आप सी की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन। अब बेटा हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लेनी है इसकी वैल्यू को, जब हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा ए प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा फोर इक्वल टू जीरो। अब बेटा इधर प्लस फोर हो गया है और इक्वल टू सब जगह आ जाएगा माइनस जगह, तो हम बेटा इसको लिख लेंगे ए इक्वल टू प्लस का फोर था यहाँ क्या हो गया माइनस का फोर, ए की वैल्यू भी निकल आई है। अब ए की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है। अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन नंबर टू को देखें जहाँ ए और बी आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर टू में अगर ए की वैल्यू पुट करें यहाँ से हमारे पास बी की निकल आ सकती है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट लाजमी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू और बी इन इक्वेशन टू, क्योंकि बेटे ताकि एग्जामिनर पता चल सके कि आप कौन सी वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो ए बी इक्वेशन हमारे पास टू इक्वेशन क्या थी, ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस सेवन, तो एक वैल्यू क्या हमारे पास माइनस फोर प्लस टू बी इक्वल टू माइनस सेवन। अब हमेशा हम कांस्टेंट गुसारों को एक साइड पे करते हैं, मतलब जो सेम चीज़ होती है उन्हें एक साइड पे करते हैं। यहाँ माइनस फोर है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का फोर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बी इक्वल टू माइनस सेवन प्लस फोर। तो बेटा क्या आ जाएगा टू बी इक्वल टू माइनस फोर प्लस माइनस सेवन प्लस फोर हो जाएगा, तो माइनस का थ्री आ जाएगा आपके पास। बेटा अब देखिए हमें बी की सर वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे बी के साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रही है, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है बी की, बट यहाँ बी के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो हम जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है क्या होगी डिवाइड, जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। बी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस थ्री ओवर सेवन आ जाएगा, माइनस थ्री ओवर सेवन आपके पास। तो बी की वैल्यू बेटा आपके पास निकल आई है, सो अब आपके पास किसकी वैल्यू रह गई है, आपके पास डी की वैल्यू रहेगी। बेटा फोर डी माइनस सिक्स इक्वल टू टू डी है, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं फोर डी, डी वाले सारों को एक साइड पे कर लेते हैं, कहाँ एक साइड पे कर लेते हैं, फोर डी माइनस टू डी, प्लस का टू डी था राइट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे आया तो माइनस हो गया, इक्वल टू माइनस सिक्स था दूसरी साइड पर चला गया तो प्लस का सिक्स हो गया, प्लस हम सब मैंशन नहीं कर सकते। बेटा फोर डी माइनस टू डी कितना हो जाएगा, चार में से दो गए तो टू डी आपके पास बच गया इक्वल टू सिक्स। हमें सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए, जब डी के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा बेटे थ्री, क्योंकि टू टेबल सिक्स पे कितना टाइम जाता है थ्री टाइम। तो ये था बेटे आपके पास इसका आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको अंडरस्टैंडेबल किया होगा। बेटा ये सक्सेस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आप जो क्वेश्चन नंबर वन और टू थे वो आपके ऑब्जेक्टिव थे, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होगा। लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि आप घरों में लाजमी अपने रजिस्टर खोलिए, सिर्फ मेरी वीडियोज़ मत देखिए, रजिस्टर खोलिए और इन क्वेश्चन की
प्रैक्टिस की। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले पूरा क्वेश्चन सुने, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। आज आप लोग मेहनती स्टूडेंट्स हैं और इंशाल्लाह आप लोग इस काम करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट में मैं पूछूंगा कि आपने ये काम किया या नहीं किया, लास्ट में ये कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।